से कहा लेबर रूम में, हैव यू सीन हर, हैव यू सीन हर? आई सेड नहीं। तो इतने में वो एक महाराष्ट्रियन वहां पर एक भाई उठती मिडवाइफ, देखना है बच्चे को ऐसा। हाँ हाँ, तो मैं डरता हो गया, जैसे कोई एच पे जाता है ना, कोई प्रेसिपिस पे, कि आप बिल्कुल किसी चीज के कगार पे आ गए, बिल्कुल ऐसे डरता हो गया। तो वो कांच के ग्लास के पीछे ये पड़ी थी और ये बिल्कुल माउसे तुंग की तरह लग रही थी बिल्कुल, और चेहरा बिल्कुल ऐसा पिंक, 10.5 पाउंड की थी पैदा हुई, एक्सप्रेशन उसका लग रहा था तब से गुस्सा आई। इसकी माँ बोलती है ये बच्ची क्या है क्या, इसका बाप इससे डरता है, इसकी माँ से डरती है, इसका भाई इससे डरता है, ये है क्या? मतलब कुछ ऐसे ही रहने दो, ज्यादा उसको डिसाइफर मत करो। तो कुछ क्वेश्चन कम हुआ, मैं देखता हूँ तुमको, आज सुबह तुमको देख रहा था मैं, तुम स्क्वाट कर रही थी। हाँ, करती हूँ मैं रेगुलर, डंबल लगा के गोइंग डाउन एंड या आई कैन डेडलिफ्ट मोर देन मोस्ट ऑफ द पीपल हियर, बट यू टेक अ टू गैप बिटवीन द टू। Can we talk about this outside the house? Ten. Yeah, I don't take too much gap between the two. No, like 1 minute top. You won't, baby. I think you experience the silence. Mm. Oh. Yeah, it's nice me to wake her up early. यहाँ पे वैसे गुस्सा मैंने काफी control किया है, आपने देखा होगा। नहीं, वो बह जाता है वो। I retreat to silence. जो ज्यादा लोग पढ़ने साइलेंस हील्स ऑल ग्रेट क्रिएटिव वर्क्स बिगिन इन साइलेंस, द डांस ऑफ लाइफ बिगिंस इन द साइलेंस ऑफ द वूम। आपकी कोख में जो खामोशी होती है वहां पर जीवन का जो नृत्य वहां शुरू होता है ना। हाँ, तो साइलेंस इसलिए वो आपसे करवाते हैं कि मौन रखो, चुप रहो। हमसे वी आर साइलेंस अवर सोसाइटी, हमको खामोशी से डर लगता है जी। शोर में बहुत कंफर्टेबल है, एम्प्टी नॉइज़। लिफ्ट में भी म्यूजिक लगी हुई है। हाँ, कुछ चलता रहे ताकि अपना साउंड ट्रैक नहीं सुनाई दे। एग्जैक्टली। तो यहाँ पर आई सी यू इन द मॉर्निंग, तुम आके बैठती हो सबसे पहले, आके ऐसे बैठ जाती हो, तुम्हें मैं देखता हूँ, वहां से मालूम पड़ जाता कि ये है कैसी, जैसे जब बच्ची थी तब देखते थे कैसे चलती है। वैसे कुछ देखता हूँ, जब गिरती थी तो दिल करता था जाके उठाने के, बाद माँ बोलती थी नहीं नहीं नहीं, वो जो गिरी है उसी से सीखेगी, वो हम नहीं सिखाएंगे, वो दर्द सिखाएगा। बिल्कुल। तो दिल तुड़वा तुड़वा के यहाँ होता रही है ये। शायद इतनी हिंदी में कभी तुमसे बात नहीं की मैंने। बिल्कुल नहीं, मगर तुमने हिंदी बोलना अच्छी शुरू कर दी है। थोड़ा जेंडर का कंफ्यूजन होता है तुम्हारा। बिल्कुल, वो तो होता ही, वैसे ही होना चाहिए, वो में भी होता है वैसे ही। हाय पॉप्स, मैंने वो लेटर दिखा था 23 साल की उम्र में जब पैदा हुई थी, बियर पी गया। मैं आज मुल्क के सामने, आप सबके सामने इसका ऐलान करना चाहता हूँ कि 23 साल की उम्र में मैंने विवेकानंद जी का एक कोट था, उससे शुरू किया था लेटर, बी ट्रूथफुल एंड बी फियरलेस बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ डिविनिटी एंड नॉट अ सिन। इसका आप अनुवाद कीजिए। ये मेरे ऑफिशियल ट्रांसलेटर हैं। मैंने देखा। Be truthful। हाँ, be truthful। सच्चे रहें। हाँ। And be fearless। और निडर रहें। निडर रहें। क्योंकि? क्योंकि? You are a part of divinity। तुम उस कुदरत की वो महान शक्ति का एक अंश हो, right? So correct। कोई पाप नहीं हो तुम। कोई पाप नहीं। उसका अंश हो तुम। Be truthful and be fearless।
because they're part of divinity and not a sin. तो वो लेटर में पता नहीं उस लाइन से मैंने क्यों शुरू किया था, पढ़ता था ऐसा. और लास्ट में आपने लिखा समझ से ज्यादा बात, लास्ट में आपने लिखा लव पापा, लव महेश कॉमा पापा एंड इन ब्रैकेट्स कॉल मी व्हाट यू वांट, व्हाटएवर यू वांट. हां क्या और क्या फर्क क्या पड़ता है. यू मेड मी फील प्राउड पूजा, थैंक यू. योर फिक्शनल वर्क पेल्स बिफोर योर परफॉर्मेंस. रियली? यस, आई एम सीइंग यू एज अ पर्सन. तो हमारे मुल्क में एक और प्रथा है, इसके बाद में लेक्चर नहीं दूंगा, सॉरी. नहीं, हमें बहुत अच्छा लगा. सर, वी वांट टू हियर यू, वी आर वेटिंग फॉर दिस. सॉरी, वी आर नॉट सरप्राइज्ड बिकॉज़ दिस गुरु से आगे निकल जाता है ना, तो हमारे मुल्क की पुरानी प्रथा यह है कि गुरु शिष्य के पांव छूता है और कहता है तूने आज मुझे मुक्त कर दिया, मेरी मुक्ति इसी में है कि तू मुझे से आगे निकल. अ ग्रेट लीडर डजंट क्रिएट मेनी फॉलोअर्स, ही क्रिएट्स ग्रेट लीडर्स. तो ये तुम आई हो मेरे जिस्म के द्वार से, मगर तुम हो कुदरत का हिस्सा. इसलिए मैं तुम लोगों को देखता हूँ तो लगता है कि हर एक अजीब सा एक यूनिक, जैसे दो पत्ते जो है ना आप देखें एक जैसे नहीं होते. नो टू स्नोफ्लेक्स आर सेम, अनरिपीटेबल है अभिषेक. तो अनरिपीटेबल तो अनरिपीटेबल है, ऐसा कभी होगा ही नहीं बच्चा. और ये होगा ही नहीं कभी. प्रॉब्लम चाइल्ड हमारी त्रासदी है कि हमको बोला जाता है कि इस बोर्ड में फिक्स हो, और पूरा द्वंद यही चलता रहता है जो हम हैं और जैसा हम दिखना चाहते हैं. धर्मेंद्र जी ने एक बात कही थी, मुझसे कमाल की बात कही थी. धर्म जी यार महेश अजीब सा दौर है. मैंने क्या हुआ धर्म जी, सब अच्छे दिखना चाहते हैं, कोई अच्छा बनना नहीं चाहता. अपीयरेंसेस का खेल. धर्म जी की आवाज ही अपीयरेंसेस. बिल्कुल बिल्कुल, कि चेहरा ठीक हो, गौर कर लो उसको. मेरा तो पिंपल देखो, मैं इतनी प्राउडली फ्लैंक. आई थिंक देयर इज नो नीड फॉर अ स्पार्कल टू बी एडेड टू अ फेस व्हिच ऑलरेडी हैज बीन क्रिएटेड बाय द डिवाइन फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स. खुद अपने आप तक पहुंचने में तो वक्त ही नहीं लगना चाहिए, कुछ और बनने के लिए हिम्मत मेहनत करनी पड़ती है ना. तुम तो हो जैसे हो. हाँ, बाजार में एक कुछ नियम होते हैं जिसके अनुसार जद्दोजहद करनी पड़ती है. और हाँ, ये खेल है लड़ाई का, ये महाभारत है, इसमें अपनों से लड़ना पड़ता है. वो लम्हा अगर आ जाए एल्विश और इसके बीच में, तो वही कुरुक्षेत्र में जो अर्जुन जी ने पूछा था क्या करना है फिर, वो भी मेरा अपना ही है. तो उसने बोला तुझे तो जीतना है. वो एक ग्रेट टीचर था एक, उसने अपने शिष्य को सब कुछ सिखा दिया, सारे दाव पे सिखा दिया. तो जाने से पहले उसने पूछा शिष्य ने गुरु से कि एक बात बताइए सर, अगर मैदान जंग में मैं आपसे मिलूं और आप सामने हैं बिल्कुल, तो मुझे कैसे लड़ना चाहिए. बोलते ऐसे लड़ना चाहिए जैसे मुझे मारने के लिए लड़ना चाहिए. यू शुड किल मी. दैट वाज दी लास्ट शिक्षा. ही अब ये कलेजा होता है शिक्षक का. तो ये पुरानी बात है. दिस इज नॉट अ प्लेटफॉर्म ऑफ शोइंग सेंटहुड. या That's true, but at the same time, it's not a platform to suddenly become something that you're not because you. अगर आपको लगता है कि ये game है और मैं फिर वो niche बन जाऊँगा. हाँ, but no, but I'm saying कि वो हर एक के अपने एक values के एक लकीर होती है जिसको नहीं लांगते. मगर you're committed to win. बिल्कुल. ये बात बहुत important है क्योंकि अजीब चक्कर है कि आपको वो game में तो धकेल देते हैं
और बोलते हैं एक है बस सीट, और फिर बोलते हैं आप बिल्कुल लड़िए मत, ह्यूमन हुई है. अजीब सा कॉन्ट्रडिक्शन है ये. एंड दैट इज वेयर द होल वर्ल्ड इज एट. अब पानी पिला दो. चलो कम बिग बॉस महेश भट्ट जी का हार्दिक स्वागत करते हैं. आपका इंट्रोडक्शन कुछ एक्सटेंडेड हो गया. ये नहीं बस हो खत बात ही खत्म हुई. अब से बोलना ही नहीं. अब सुनना है अलग 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 चीजें. अरे बाप रे बाप, ये कमाल का, ये आलीशान घर है यार. सब रिसाइकल चीजों से बना. हाँ बढ़िया आलीशान घर है. तो The camera doesn't do justice to this. Really? नहीं नहीं. अच्छा? हाँ. क्यों? कैसे लगता है? छोटा लगता है? Elvis तू बहुत लंबा है, थोड़ी पाँव थोड़ा काट ले नीचे. बहुत ही कमाल का है तो यार. हाँ? Yeah. Or of course he sees the house. I've seen the house. This is where you all have the bar. Weekend bar. क्या? हाँ अरे क्या बात है बच्चा, अब तुमको तो स्वर्ग गारंटीड है. आपसे मिलेंगे तो ऐसे ही स्वर्ग यहीं पे. नहीं नहीं नहीं, आप ये स्वर्ग गारंटीड है तुमको अभी. बैठ के पानी पी लेते हैं. ये पीता रहूंगा मैं. हाँ हाँ ठीक है पकड़ कर रखूंगा. पानी कम है ना यहाँ पर? नहीं नहीं पानी है पानी. खाना कम है पानी, यहाँ पे रख लेते हैं. अभी मुझे बोल रहा है.